साथ वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर योजना को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर योजना का प्रस्ताव दिया था, जिस पर न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दे दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को मंदिर के बैंक खाते में जमा धन का कॉरिडोर बनाने में उपयोग करने की अनुमति नहीं दी है। न्यायालय ने कहा है कि सरकार अपने खर्चे पर कॉरिडोर बनवाए। भगवान बांके बिहारी मंदिर के आसपास 5 एकड़ भूमि में कॉरिडोर विकसित किया जाए। वृंदावन के विश्वविख्यात बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर को अब हरी झंडी मिल गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया है, और जो सरकार ने जो बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के लिए जो प्रोजेक्ट भेजा था उस पर हाई कोर्ट ने अपनी सहमति दर्ज करा दी है। यानी कि हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार कॉरिडोर बनाना चाहती है तो वो मंदिर के पैसे से नहीं बनाए, बल्कि सरकार खुद अपने पैसे से कॉरिडोर बनाए। वृंदावन बांके बिहारी मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि मंदिर के मूल स्वरूप और परंपरा से छेड़छाड़ ना हो, श्रद्धालुओं की सुविधा के हिसाब से बेहतर व्यवस्था की जाए। अभी तक बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालु धक्का मुक्की और भीड़ के चलते दर्शन नहीं कर पाते थे। भीड़ के चलते कई बार श्रद्धालुओं को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है, लेकिन अब सुविधा के अनुसार उन्हें दर्शन मिलेंगे। दरअसल बांके बिहारी मंदिर में भीड़ अब इतनी संख्या में आ रही है कि गलियारा बनने के लिए जरूरत भी है। बांके बिहारी मंदिर में भीड़ के दबाव के चलते कई बार लोगों की जान चली जाती है। लोग धक्का मुक्की के बीच बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर पाते हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक प्रोजेक्ट भेजा जो कॉरिडोर के नाम से है, वृंदावन बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर, जिस पर हाई कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर बनाए और वहां की जो परंपरा है, वहां की जो व्यवस्था है, उसका भी पूरा ख्याल रखा जाए। मंदिर के प्राचीन स्वरूप और परंपरा से भी छेड़छाड़ ना की जाए। बांके बिहारी मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाए गए कॉरिडोर की तर्ज पर तैयार कराया जाएगा, जिसमें दोपहिया वाहनों से लेकर 4 पहिया वाहन आसानी और सुगमता के साथ जा सकेंगे। श्रद्धालुओं को भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बांके बिहारी मंदिर से देवरा बाबा घाट तक सस्पेंशन पुल बनाए जाएंगे। सुनरख पानीगांव और बांके बिहारी मंदिर के सामने जमुना की दूसरी ओर पार्किंग स्थल विकसित किए जाएंगे, ताकि श्रद्धालुओं को अपने वाहनों को खड़ा करने में कोई दिक्कत ना हो और श्रद्धालु यमुना एक्सप्रेसवे से आते वक्त अपने वाहनों को खड़ा कर सकें और जाम की समस्या से भी बच सकें। हाईवे की तरफ से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुनरख पार्किंग विकसित की जाएगी, जिसमें करीब 1000 वाहन वहां खड़े हो सकेंगे। सरकार द्वारा बांके बिहारी मंदिर के लिए प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है, जिसमें विशेष पार्किंग स्थल बनाए जाएंगे। यानी कि मंदिर के सामने यमुना के दूसरी ओर भी पार्किंग स्थल बनाए जाने की योजना है, ताकि श्रद्धालु जब आए तो अपने दुपहिया वाहन या चार पहिया वाहन हो, उनको वो वहां खड़ा कर सकते हैं, ताकि वो जाम की समस्या से बच सकें। इससे लेकर एक बेहद और आधुनिक प्लान तैयार किया गया है, ताकि जो श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचेंगे उन्हें किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। इसे लेकर भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है, यानी कि एकदम स्वतंत्र रूप से श्रद्धालु मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे और भगवान बांके बिहारी के दर्शन करेंगे। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा, किसी भी तरह का अतिक्रमण मंदिर कॉरिडोर में नहीं होगा। यात्रियों के लिए पेयजल, शौचालय, वाईफाई, इंटरनेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ से ब्रिज पार्किंग तैयार की जाएगी, जिसमें करीब 1500 वाहन खड़े हो सकेंगे। कॉरिडोर आधुनिकता के साथ मंदिर की परंपरा को समेटे रहेगा। कॉरिडोर परिसर में हरियाली का विशेष ध्यान रखा जाएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के समकालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। कॉरिडोर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय तैयार किए जाएंगे। कॉरिडोर का नीचे का हिस्सा बड़ा होगा। कॉरिडोर क्षेत्र में 2 चिकित्सालय भी तैयार कराए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर के आसपास के कॉरिडोर क्षेत्र में पूजा के लिए दुकानें बनाई जाएंगी, ताकि श्रद्धालु वहां से पूजा का सामान खरीद सके।
कॉरिडोर परिसर में जूता घर, सामान घर, चिकित्सालय, प्रसाधन, पेयजल, शिशु देखभाल, तीर्थ यात्री प्रतीक्षालय तैयार कराया जाएगा। भगवान बांके बिहारी मंदिर का सरकार द्वारा पहले से ही ब्लूप्रिंट तैयार किया जा चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कॉरिडोर को अपने खर्च पर तैयार कराया जाए। कॉरिडोर निर्माण के दौरान श्रद्धालुओं के लिए दर्शन प्रभावित नहीं होने चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा विश्वविख्यात बांके बिहारी मंदिर को कॉरिडोर बनाने की क्लीन चिट के बाद अब श्रद्धालुओं में भी खुशी की लहर है। यानी कि अब श्रद्धालु कॉरिडोर बनने के बाद सुगमता के साथ भगवान बांके बिहारी के दर्शन कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक स्थिति और हालात इस तरीके के थे कि धक्का मुक्की के बीच उनको दर्शन करने पड़ते थे। कई बार लोगों की जान चली जाती थी, दम घुटता था। ऐसे में कई बार श्रद्धालु बिना दर्शन के वापस चले जाते थे। जाम की बड़ी समस्या वृंदावन में रहती थी। जाम के चलते कई घंटों तक लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। करीब 5 एकड़ भूमि में भगवान बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा। इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इस कॉरिडोर में सारी सुविधाएं होंगी, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के समकालीन वृक्ष लगाए जाएंगे। यहाँ पर पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए जूता घर, शौचालय, प्रसाधन के साधन वहां पर होंगे, ताकि किसी प्रतीक्षालय ताकि किसी प्रकार की दिक्कत श्रद्धालुओं को ना हो। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पेयजल से लेकर श्रद्धालुओं को वाईफाई तक की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा भी मिलेगी। कॉरिडोर परिसर में ही जो श्रद्धालुओं के पूजा करने के लिए जो सामान मिलता है उसकी दुकानें भी उसमें बनेंगी। यानी कि अब कहा जा सकता है कि बांके बिहारी मंदिर में अगर कॉरिडोर पर काम जल्द शुरू होता है तो आने वाले समय में ये कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, और इससे काशी यानी कि बनारस की तर्ज पर, बनारस यानी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इसे बनाया जाएगा। सरकार द्वारा पूरा प्लान और प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। न्यूज़ पर्सन संतोष कुमार के साथ गोविंद भारद्वाज। मथुरा का प्रसिद्ध रेडीमेड गारमेंट्स का एकमात्र शोरूम सिलेक्शन, जहां मिलते हैं सभी प्रमुख ब्रांड के रेडीमेड कपड़े। दुल्हे के लिए शेरवानी, दुल्हन के लिए साड़ी, फैंसी ड्रेस, सूट, जेंट्स में ब्लैकबेरी, लुई फिलिप्स, एलन सोली, पेपे, लिवाइस मुफ्ती, स्पाइकर, लिलन क्लब। महिलाओं और बच्चों के लिए सभी रेडीमेड ब्रांड के प्रमुख कपड़े, उचित दरों पर सभी ब्रांड के रेडीमेड कपड़े उपलब्ध हैं। सिलेक्शन शोरूम में आइए, अपने पसंद के रेडीमेड कपड़े खरीदिए। अकॉर्डिंग टू मी, अगर मैं कहूँ, जैसे हम शुरू से ही यहाँ पे आ रहे हैं और अब तो यहाँ पे इतना बड़ा शोरूम हो गया है और इतनी वाइड रेंज है, वैरायटी है काफी, और इतने रीजनेबल प्राइसेस हैं कि मतलब कोई भी आके यहाँ से ले सकता है। विश्वास का एक नाम सिलेक्शन रेडीमेड शोरूम, जहाँ मिलते हैं आपके मन पसंद रेडीमेड कपड़े। सिलेक्शन शोरूम वाकई में बहुत अच्छा शोरूम है। यहाँ एक ही सारी ब्रांड्स अवेलेबल है और एक ही फ्लोर के नीचे आपको सब कुछ मिल जाएगा। सिलेक्शन शोरूम डैम्पियर नगर मथुरा। नियो न्यूज की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज नियो न्यूज हर पल की खबर को लाइक करें।